हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया? सब कुछ खैरियत चल रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में? मेरे लाइफ में तो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हमारा क्लास नंबर 5 फॉर द स्टेटिस्टिक्स, 10th महाराष्ट्र मैथ्स 1। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस देखते रहो, खुद के नोट्स खुद बनाना सीख लो। इसके अलावा मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो भैया आज हम पढ़ने वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जैसे हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था स्टेटिस्टिक्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हमने क्या शुरू किया था? स्टेटिस्टिक्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर ना मैं एक टेक्निकल ग्लिच मुझे दिख रहा है, मैं वो क्लियर करवाता हूँ। हो गया, ठीक है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसमें लास्ट क्लास में हमने किया था, क्लास नंबर 4th में हमने किया था हिस्टोग्राम, कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर। तो आज की क्लास में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ 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 करना सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सिंपल है, आपको अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आता है तो उसी तरीके से करना है। विदाउट हिस्टोग्राम भी कभी पूछा जाता है, कभी हिस्टोग्राम के साथ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में जो भी दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये हमें, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। ठीक है, तो ये हमें ड्रॉ करना है डेटा के हेल्प से, डेटा के माध्यम से। ऑलराइट, तो यहाँ पर सो वी हैविंग दैट बार ग्राफ हियर, हमारे पास एक बार ग्राफ है, इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर ही उसका जो भी क्या बोलते हैं हम, ये देखो क्या ज्वाइन किया यहाँ पर, सेंट्रल जो पॉइंट होता है जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं, उस क्लास का क्लास मार्क यहाँ पर ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्लास मार्क ज्वाइन करके एक डायग्राम बनाई है, पॉलीगॉन बनाया है, तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो भी आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये है विथ हिस्टोग्राम, और ये जो भी दिख रहा है, ये है विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम के लिए आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसके हेल्प से क्लास मार्क और जो भी है फ्रीक्वेंसी, उसके हेल्प से आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे एक्स एंड वाई, और फिर बाद में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना सिंपल है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे क्या बोलते हैं कि इजी वाला, ये वाला एक्सरसाइज बनने वाला है, तो आप अच्छे से ध्यान दो। तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5। पहला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, कुछ हमें क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर कुछ ग्राफ दिया है, तो वो ऑब्जर्व करके हमें यहाँ पर उस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट। दिन का किया जो असर अशर है हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देख के आपको लग रहा है कि ये क्लास कौन सा वाला है, देखो रुको 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 भैया, हाँ ये वाला क्लास, ये वाला आपको मैक्सिमम दिख रहा है राइट, तो ये वाला क्लास कौन सा है? क्लास ये है 60 to 70 का। ठीक है, तो क्लास 60 to 70 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें आपको समझ में आया। इसका आंसर हम लिखते हैं देयरफॉर क्लास, चलो ये इसे DIB कहा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, मतलब डेटा के, डेटा ऑब्जर्व करके आपको कुछ आंसर्स यहाँ पर लिखने होते हैं। तो क्लास कौन सा वाला? क्लास 60 to 70 राइट, हैज मैक्सिमम, क्योंकि देखो वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स है ना, तो ये यही वाला पॉइंट है जो हमारा मैक्सिमम है, तो वो कौन से क्लास का है? 60 to 70 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन, राइट क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई क्लास है क्या जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है? 20 to 30 दिख रहा है यहाँ देखो। ओके, तो और कोई है क्या? हाँ 90 to 100 ये भी दिख रहा है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो बनी है। तो क्लासेस ये देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो ये वाला, ठीक है, और ये वाला जीरो फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर, ये पूरा मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, सॉरी वाई की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो वाई जीरो मतलब स्टूडेंट जीरो, तो क्लासेस सेकेंड वाला कौन सा है? 90 to 100 हैव जीरो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स है। 50 कहाँ पर है? ये वाला 50 दिख रहा है मुझे, तो इसका हमें क्लास मार्क पूछा है, तो ऑब्वियसली
एक्चुअली एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वही उसका क्लास मार्क होता है, तो आप ना यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये क्लास मार्क कितना है इसका, 55। क्लियर? करेंगे भला तुम्हें प्यार, बतख ना करेंगे भला जिंदगी। देखो द क्लास मार्क ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स इज, कौन सा वाला है वो, 55। ठीक है, देन फोर्थ, व्हाट इज द राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। 85 क्लास मार्क यहाँ पर दिख रहा है हमें, 85 ये वाला। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट है 80 एंड अपर लिमिट है इसका 90, मतलब ये क्लास 80 एंड 90 है। ठीक है, सो वी कैन से द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग क्लास मार्क 85 इज कितना है, 80 एंड अपर लिमिट कितना है, 90 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब लोअर लिमिट उसका कितना है 80 एंड 90 उसका अपर लिमिट है। ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देन फिफ्थ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 80 to 90? 80 to 90 में कितने स्टूडेंट्स है, ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 देखो ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप 15। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देर आर 15 स्टूडेंट्स इन क्लास 80 to 90। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो पहला वाला क्वेश्चन था ये, इसका आंसर ये। ठीक है ओके, 60 to 70। ठीक है, देन क्लासेस, ये दो क्लासेस। ओके ये चले काम करते हैं, इसको ना कौन सा कलर कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लू वाला कर देते हैं, ब्लू वाला। नहीं रुको, काम करते हैं, अंडरलाइन करते हैं इसे। हाँ ठीक है, देन द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 इज 55, ये वाला आंसर है। ये इसका 80 एंड 90 आंसर है, एंड देन देर आर 15 स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है चलेगा, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट 6.5। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने लिखा भी होगा। चलो अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, मैंने पहले ही टेबल सब क्वेश्चन ये रेडी करके रखा है सो दैट हमारा टाइम बच जाए। शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेल्प से यहाँ पर इस ग्राफ में डेटा हमें प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन दिया है, एक टेबल फॉर्म में डेटा दिया है, हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी बनाना है तो एक टेबल बनाना होगा। ओके फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें देखो क्लास है, क्लास किसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसके ग्रुप्स लिखते हैं 0 to 200, देन 200 to 400, ठीक है, देन 400 to 600, देन नेक्स्ट 600 to 800, देन हमारा है 800 to 1000। अब क्लास मार्क तो हमें पता है, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क आएगा 100, 200 डिवाइडेड बाय 2, इसका आएगा 600 डिवाइडेड बाय 2, 300। ठीक है, इसका कितना आएगा देखो 500, द नेक्स्ट वन इसका कितना आएगा 700, और इसका कितना आएगा 900। चलो क्लास मार्क भी हमने फाइंड आउट कर ही लिया। अब फ्रिक्वेंसीज दी है यहाँ पर, इसकी है 240। स्टोर करें अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें बनाने, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई। देखो एक्स एक्सिस पर क्या आता है, पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर हम क्लास बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या बनाते हैं एक्चुअली क्लास, हाँ, बट क्लास मार्क यहाँ पर प्लॉट करना होता है, तो हम एक्स एक्सिस पर बनाते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क ओके, क्लास मार्क किसने क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है रुपीज में। ठीक है, देन
वाई एक्सिस पर हम हमें क्या प्लॉट करना होता है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर क्या है, फैमिलीज है, राइट, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, राइट, यस। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर जो भी है वो क्लास मार्क है, वाई एक्सिस पर जो भी है वो फैमिलीज है। तो यहाँ पर चलो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 100, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 240, देन यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट है 300, वाई का है 300, ठीक है, देन यहाँ पर है 500, वाई का है 450, एक्स का है 700, वाई का है 350, एंड देन एक्स का है 900, वाई का है 160। ठीक है, चलो अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को। साइज कम कर लेता, पहले तो ये ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है क्या? हाँ, क्लास देखो, 0 to 200, ठीक है। तो ये वाला सबसे हम एक काम करते, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 100 का बनाएंगे, क्लास मार्क 100, ठीक है, 100 का बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम क्या क्या प्लॉट करते, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ग्राफ बड़ा करता हूँ क्या, और चले बड़ा कर दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो है हमारे पास यहाँ पर, चलो। तो ये यहाँ पर आपका होगा कितना, 100, ये होगा 200, ये होगा 300, ये होगा 400, ये होगा 500। एक काम करते हैं, इसे अच्छे से लिख लेते, थोड़ा एक ऊपर एक नीचे से करते हैं। ये होगा आपका 100, ये होगा आपका 200, ये होगा 300, 400, 500, 600, 700, 100 ठीक है, 1100। अब वाई एक्सिस पर देखो क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज देखो 100, क्या क्या है नंबर ऑफ फैमिलीज की फ्रीक्वेंसी, 240, 300, 450, ऐसी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज का क्या है एक्चुअली, ये नंबर ऑफ फैमिलीज का इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, नंबर ऑफ फैमिलीज है सिंपल, और ये वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। अब ये 240, 300, ये तो नंबर ऑफ फैमिलीज है, ओके। तो अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 450 है मैक्सिमम वैल्यू हमारी, 450 है। तो 50 से किया तो भी चल सकता है, कितने लगेंगे हमें, 10 लगेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 50 से ही करते हैं यहाँ पर सिंपल, ओके, 50 का करते हैं यहाँ पर, या 100 का करेंगे तो 5 लाइन्स लगेंगे, एक 100 का ही करते हैं, ठीक है, 100 का, 100, देन 200 फैमिलीज, 300, 400, 500 फैमिलीज, एंड देन ये 600 फैमिलीज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 500 तक ही है, कोई बात। अब देखो फर्स्ट का एक्स का कोऑर्डिनेट है 100, वाई का कोऑर्डिनेट है 240, एक्स का कोऑर्डिनेट है हमारा 100, पहले तो 0 होगा, ओके, ये 0 से शुरू हो रहा है, देन एक्स का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 100, वाई का कोऑर्डिनेट है 240, 240 कितना आएगा, 200 के ऊपर 4th लाइन यहाँ पर, ठीक है। आपका ग्राफ पेपर थोड़ा बड़ा होगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा, 200 के ऊपर 4th लाइन मतलब आपका 240 है, ठीक है। तो ये है, देन नेक्स्ट पॉइंट सिंपल मार्क करके रखते हैं, 200 को देखो 300 एंड 300, नेक्स्ट तो 300 है, 200 का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, 300, 300 एंड 300, 300 एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ये भी 300 है, तो ये यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 400 का नहीं दिख रहा, 500 का है, 500 का आपका क्या बनेगा यहाँ पर, 500 एंड 450, 500 एंड 450 मतलब 400 के ऊपर 5th लाइन, ओके, और ये एक्स का 500 कोऑर्डिनेट। देन नेक्स्ट 700 एक्स कोऑर्डिनेट, 700 एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वाई का कितना है, 350, वाई का कितना है, 350 मतलब 300 के ऊपर, 300 के ऊपर ये 5th लाइन, देन 900 एंड 160, 900 एंड 160 कहाँ पर है, 160 मतलब 100 के ऊपर 6th लाइन, ठीक है, दिस वन, एंड ओके, एंड फिर बाद में सीधा लाइक 1000 एंड 100 के ऊपर ये कनेक्ट करना है हमें, ठीक है, लास्ट पॉइंट पर। चलो तो अब कनेक्ट करेंगे इसे, ये ओरिजिन पर, फिर ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, एंड देन ये यहाँ पर, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स अब लिखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो 100, 240,
इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे, 300 एंड 300। देन ये वाला था 500 एंड 450। देन ये वाला था आपका 700 एंड 350। देन दिस वन इज व्हाट, 900 एंड 160। और ये लास्ट वाला आपका होगा 1100 एंड x का 0, सॉरी सॉरी, x का 1100 एंड y का 0। ठीक है, ओके। यहाँ पर x 0, y 0, ओरिजिन। चलो स्केल क्या, स्केल तो पहले लिखनी चाहिए थी, फिर भी अभी लिखते हैं। स्केल क्या थी, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, 100। 100 क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, ओके 100 रुपीज। देन नेक्स्ट ऑन वाई एक्सिस हमने 100 फैमिलीज ली, ठीक है। तो इतना आना चाहिए, स्केल लिखना चाहिए अच्छे से, ये नंबर ऑफ फैमिली नम एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस का जो भी डेटा है वो लिखना है, ओके। और ये अच्छे से पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज अच्छे से लिखनी है। तो ये हुआ आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, ओके। समझ में आया, समझ में आया क्या, आया ना। अब लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो यहाँ पर रिजल्ट परसेंटेज में दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है, आपको ये टेबल बनाना है सोल्यूशन में, क्लास रिजल्ट, ओके। कौन सा आपका 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60 है, देन 60 to 70 है, देन 70 to 80, ये कम पड़ गया। चलो इसे हम करेंगे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और कितने लगेंगे, 2। ठीक है, क्लास मार्क देखो, ये 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय 2, ये 35 आएगा, ठीक है। 10 10 का तो है, बीच का ये 45 आएगा, दिस वन इज 55, ये 65, ये 75, ये 85 और ये 95। अब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, इसमें है 7, 45 सॉरी 33, 45, 65, 47, 18 एंड ये है 5, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्लास मार्क होता है, ये होता है 35, वाई होगा 7, ये होगा 45, 33, ये होगा 55, 45, 65, ये 65, ये 75, 47, ये होगा 85, ये होगा 95, चलो ओके। अब यहाँ पर स्केल पहले लिख लेते हैं, स्केल वाई एक्सिस पर पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वाई एक्सिस पर हमारा है क्लास मार्क, ओके। और क्लास मार्क किसका है, परसेंटेज का, रिजल्ट है, रिजल्ट है ये परसेंटेज में, ठीक है। और वाई एक्सिस पर क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब रिजल्ट हमारा 0 से तो नहीं शुरू हो रहा, ये हो रहा है कहाँ से, 30 to 40 से। इसे हमें यहाँ पर क्रिंक बनाना पड़ेगा, क्रिंक पता है हमें कब बनाते हैं हम, जब हमारा 0 से नहीं शुरू होता ग्राफ तब, ओके ठीक है। तो रिजल्ट हमारा हो रहा है 30 to 40 और उसका क्लास मार्क है 35, ओके। तो ये वाला हमारा उसके पहले होगा 25 का पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है हमारा 25 का, देन दिस वन इज आपका 35, ये है 45, उसके पहले का जो भी 10 से कम करके, यहाँ पर 10 है ना क्लास इंटरवल, उसके अगर उससे
मतलब जो भी आपका क्लास मार्क है 35, उससे 10 कम करके आपको ये बनाना है. 25 वाला, 55, देन 65, 75, 85, 95, ये 105. ठीक है, क्योंकि ये जीरो से नहीं शुरू हो रहा था, इसी वजह से हमने ये एक्स्ट्रा वाला 25 पॉइंट लिया यहाँ पर. ओके, ऑन एक्स एक्सिस हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है, देखो 10% लिया है, राइट. देन ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिख रहे, 7, 33. यहाँ पर भी काम करते 10 ही लिखते हैं, ठीक है. तो ये 7, 5 ऐसे नंबर हमें प्लॉट करना ईजी आएगा. वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ओके, टेन, 20, 30, 40, 50, 60, देन 70 एंड 80, 90. ओके, ठीक है. उसके आगे भी है 95, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, सिंपल है, 90 तक किया तो अभी चलेगा. अब चलो प्लॉट करेंगे. तो ये तो सबसे पहला वाला 25 जीरो जीरो होगा, देन आपका 35 का 35 सेवन, सेवन मतलब जीरो के ऊपर सेवेंथ लाइन, 1 2 3 4, ये यहाँ पर होगा, ठीक है. देन आपका 45 का कितना है, 45 33, 45 33. अरे मैंने 25 के यहाँ पर लिखा है, 25 का तो जीरो होना चाहिए, 35 का होना चाहिए. ओके, 45 का कितना है, 45 33, 33 मतलब 30 के ऊपर थर्ड लाइन. ओके, देन 55 का 55 45, 55 एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट 45, 45 मतलब 40 के ऊपर फिफ्थ लाइन, ठीक है. देन 65 65, ओके, तो 60 के ऊपर फिफ्थ लाइन यहाँ पर आएगा. देन आपका 75 47 70 47, 40 के ऊपर सेवेंथ लाइन, ठीक है. देन 85 18, 18, 18 मतलब 10 के ऊपर 8 लाइन, ठीक है. देन 95 5 है, 95 5 मतलब ये, तो फिर ये जीरो होगा, ठीक है. तो इसे हम अब कनेक्ट करेंगे. ओके, ठीक है. अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते. इसका होगा 25, वाई का 0, इसका होगा आपका 35, 7, इसका होगा आपका 45, 33, इसका है कितना 35, 45, इसका है 65, 65, देन दिस वन 75, 47. ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखे वहाँ पर टेबल पर, वही कॉपी करना है सिंपल. 85, 18, और ये हुआ आपका 95, 5, ठीक है. चलो, तो ये ऐसे बना हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, और यहाँ पर खत्म हुआ ये वाला हमारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. टेबल बनाओ, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर टेबल में लिखो. हाँ, यहाँ पर चेक करो अच्छे सब लिखा है कि हमने, ये इंपॉर्टेंट है. एक्सिस का जो भी नाम है, ओरिजिन का नाम है, एक्स एक्सिस पर जो डेटा है वो, वाई एक्सिस पर जो डेटा है वो, ठीक है, स्केल, तभी आपको अच्छे मार्क मिलेंगे. और ये फ्रिक्वेंसी टेबल भी आपको अच्छे से बनाना है वहाँ पर. ओके, चलो, तो विल वाइंड अप नाउ, ठीक है. कीप लर्निंग एंड बाय बाय.